All right, आज वी विल टॉक अबाउट बिहेवियरल पर्सपेक्टिव. प्रीवियसली वी डिस्कस्ड ऑन अबाउट साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव. आज हम बात करेंगे बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव के. बिहेवियरिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि हमारे जो एक्शंस और बिहेवियर्स हैं वो यूजली हमारे एक्सपीरियंसेस जो हम लाइफ में गेन करते हैं उनकी बेसिस पे होते हैं, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बेसिकली आर अगेन डिटर्मिंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. फॉर इंस्टेंस, वट एवर हैपन्स अराउंड अस, या हमारे अपना ही जो बिहेवियर है उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि हम फ्यूचर में किस तरह बिहेव करेंगे. और इसी, क्योंकि बिहेवियरिस्ट्स आर बेसिंग एवरीथिंग ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसलिए वो जो आपके नॉर्मल बिहेवियर की जो एक्सप्लेनेशंस हैं उनको भी लर्निंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, और उसी तरह से आपकी जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज जो जिनके लिए हम एबनॉर्मल बिहेवियर का जो हम इलाज करते हैं उसके लिए भी वो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के ऊपर बेस करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि हम लर्न करते हैं फ्रॉम आवर एनवायरमेंट. हमने पिछले उसमें देखा साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट में, वो कहते हैं कि हमारा बिहेवियर डिटर्मिन होता है फ्रॉम इंस्टिंक्ट्स. ईडीगो सुपर ईगो डिटर्मिन करती हैं और हमारा अनकॉन्शियस माइंड करता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो बिहेवियरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जी हमारा बिहेवियर जो है वो डिटर्मिन करता है हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो कि मेनली आपकी एनवायरमेंट से आते हैं. तो लर्निंग के जो प्रिंसिपल हैं वो बेसिकली दो तरह की कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड हैं. कंडीशनिंग की एक लर्निंग की एक फॉर्म जो है वो कंडीशनिंग है. इसके दो मेन टाइप्स हैं, वन इज क्लासिकल कंडीशनिंग एंड अदर वन इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. और तीसरा जो लर्निंग स्कूल ऑफ थॉट है वो है मॉडलिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉडलिंग का बता दूं कि मॉडलिंग का मतलब ये है कि हम बिहेवियर जब सीख रहे होते हैं तो हम दूसरों के बिहेवियर्स को इमिटेट कर रहे होते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं. जैसे घर में छोटा बच्चा जो है वो बड़े बच्चे के बिहेवियर को कॉपी करेगा, या हम अपने टीचर के बिहेवियर को कॉपी करेंगे, या हम किसी टीचर कह लें या एल्डर कह लें या फैमिली के अंदर कोई बड़ा बंदा है जिसके बिहेवियर को हम कॉपी करेंगे. तो इसलिए बहुत दफा ये कहा जाता है कि आपके कॉल और फेल में अगर तजाद होगा तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा. तो इसलिए आपने अगर उसको कोई चीज सिखानी है, प्रो सोशल बिहेवियर सिखाना है या अच्छी चीजें सिखानी है, तो आपको एज अ पेरेंट और एज अ टीचर आपके बिहेवियर में चीजें ट्रांसलेट होनी चाहिए या आपको उस तरह से बिहेव करना चाहिए. नाउ मेन जो टाइप्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, उनमें आई टॉक अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिकल कंडीशनिंग का जो स्कूल ऑफ थॉट है या क्लासिकल कंडीशनिंग का जो प्रिंसिपल है वो प्रपोज किया इवन पावलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट, और उसने ये कहा कि आप लर्न करते हैं बाय टेम्पोरल एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाय, कि जब दो किस्म के स्टिमुलाय को आप इकट्ठा प्रेजेंट करें तो जो रिस्पांस है वो एक की तरफ तो नेचुरल रिस्पांस आएगा लेकिन दूसरे के साथ भी उसी तरह का रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा. इसका यह मतलब है कि जब दो स्टिमुलाय इकट्ठे होते हैं या दो इवेंट्स इकट्ठे होते हैं और टाइम उनका मोर और लेस एक होता है, तो वो इतना एक इंसान के दिमाग में इतना उनका फ्यूजन हो जाता है या एक तरह से मिक्स हो जाते हैं कि वो दोनों को एक ही तरह का रिस्पांस देना शुरू हो जाता है. उसको मैं आपको पावलोव के डॉग की जो एग्जांपल है वो दूंगी, कि पावलोव जिसका ये प्रिंसिपल है क्लासिकल कंडीशनिंग जिसने प्रपोज किया, उसने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसकी सैलिवेशन के ऊपर. उसने ये देखा कि नेचुरली अगर आप देखें तो डॉग को अगर फूड दिया जाए विच वॉज मीट तो वो सैलिवेट करता था. जैसे जाहिर है हमें भी अगर मजे की चीज कोई खाने के लिए नजर आए तो वो जैसे कहते हैं मुंह में पानी भर आना, वो एक नेचुरल फिनोमिना है. लेकिन वो जब डॉग को फूड दिया करता था तो उसके साथ वो उसने अचानक उसने ये रियलाइज किया कि जो डॉग को फूड देने वाला होता है, अटेंडेंट होता है या लड़का होता है, उसके पांव के कदमों की आहट सुन के डॉग जो था वो सैलिवेट करना शुरू कर देता था. उसके बाद उसने उसको एक फॉर्मल एक्सपेरिमेंट बनाया और उसने बेल के साथ घंटी बजाना शुरू कर दी, मतलब घंटी बजी और उसके फौरन बाद फूड जो है उस डॉग को सर्व हो गया.
तो इंस्टेड ऑफ के वो फूड का वेट करे डॉग, वो सिर्फ बेल की घंटी के ऊपर ही वो सैलिवेट करना शुरू कर देता था। तो उसकी बेसिस के ऊपर उसने ये देखा कि जी सैलिवेशन आपका एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स वो है, सॉरी नेचुरल रिस्पॉन्स है टू द मीट, लेकिन वही नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो आपका एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि बेल है या पाओं के कदमों की आवाज है उसके साथ एसोसिएट हो गया। और इसकी बेसिस के ऊपर उसने ये क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रपोज किया। अब ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी एग्जांपल ज्यादा इलस्ट्रेट करूंगी थ्रू दिस फिगर के। अनकंडीशनल स्टिमुलस, जैसे मैंने डॉग की एग्जांपल दी आपको, एक तरफ अनकंडीशनल स्टिमुलस है और दूसरी तरफ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। अनकंडीशनल स्टिमुलस उसे कहते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि वो नेचुरली वो रिस्पॉन्स इवोक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉग की एग्जाम्पल है तो उसमें मीट ने इन एनी केस उसके अंदर सेलिवेशन सिक्रीशन की करनी है। उसके साथ उसने ये किया कि अनकंडीशन स्टिमुलस विच इज मीट, उसके साथ उसने एसोसिएट कर दिया रिंगिंग द बेल विच इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। मतलब आप वैसे कुत्ते के आगे घंटी बजाते रहें तो वो जाहरी बात है सेलिवेट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं है कि उसकी वजह से नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं आएगा, दैट इज सेलिवेशन, मतलब वो पानी आना कुत्ते के मुंह में। और वो एक्सपेरिमेंटली कर रहा था क्योंकि उसने उसके साथ एक पाउच लगाई हुई थी जिसके अंदर वो सलाइवा सिक्रीट होता था और वो क्वांटिटी उसकी मेजर होती थी। अब जब उसने फूड के साथ बेल की रिंगिंग रिपीटेडली की, तो बहुत ज्यादा दफा रिपीट करने के बाद उसने ये देखा कि कुत्ता जो था वो फूड नहीं भी देते थे तो भी वो सेलिवेट कर रहा होता था ओनली टू रिंगिंग ऑफ द बेल। तो हुआ क्या कि ये जो अब रिंगिंग ऑफ द बेल है दैट हैज बिकम अ कंडीशन स्टिमुलस, क्योंकि ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन स्टिमुलस बन गया और उसका जो रिस्पॉन्स सेलिवेशन है दैट बिकेम अ कंडीशन रिस्पॉन्स। अब इसकी मैं एक और एग्जाम्पल भी आपको दूंगी कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जिसको आप हॉस्पिटल लेके जाते हो, बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाता है। अब हॉस्पिटल, और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको इंजेक्शन लगता है। आपने हमेशा देखा होगा कि बच्चे को बहुत अवर्जन होती है क्रॉस द बोर्ड के वो सुई लगने से या किसी भी तरह की इंटरवेंशन से डरते हैं। अब हॉस्पिटल जाना और सुई लगना, हॉस्पिटल इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस, इसलिए कि उसको एक बिल्डिंग है ना, दैट हैज नथिंग टू डू विद पेन और कोई, और उसके एक जब तक बच्चा उस इंजेक्शन से एक्सपोज नहीं होता तब तक वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग और हॉस्पिटल का लफ्स एक्चुअली उसके लिए एक न्यूट्रल स्टिमुलस की हैसियत रखता है। लेकिन जब उसको इंजेक्शन लगा या पेनफुल प्रोसीजर से गुजरा तो जब आप उससे हॉस्पिटल की बात करेंगे तो भी वो रोना शुरू कर देगा। तो इसी तरह हमारी जिंदगी में बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग की बेसिस के ऊपर हमारे बिहेवियर्स बनते हैं, और वो इसलिए बनते हैं कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस एक अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर होता है और आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल कंडीशन के स्टिमुलस के साथ वो ही रिस्पॉन्स आता है जो एक अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ आ रहा है। तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रिंसिपल, और ये है लर्निंग थ्रू थ्रू पेयरिंग कि आप दो स्टिमुलाई को पेयर कर रहे हो लेकिन रिस्पॉन्स एक ही है, अनकंडीशन के लिए भी और कंडीशन स्टिमुलस के लिए भी। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसका जो प्रोपोनेंट था वो बी एफ स्किनर था, और उसने जो कॉन्सेप्ट दिया वो ये था कि ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लर्न टू बिहेव इन सर्टन वेज एज अ रिजल्ट ऑफ रिसीविंग रिवार्ड्स, जिसको वो रिएनफोर्समेंट का भी नाम देता है कि हमारे जो बिहेवियर, बहुत से बिहेवियर्स जो हैं वो रिवार्ड के गिर्द घूम रहे होते हैं। अगर आपको रिवार्ड मिलता है, आप एक सर्टन बिहेवियर करते हो, आपको उसके ऊपर रिवार्ड किया जाता है, तो उसके आइंदा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आता है, घर आता है, पेरेंट्स उसको गिफ्ट देते हैं या उसको अपनी मर्जी का कोई कोई भी दावत देते हैं या उसकी मर्जी का कोई प्रेजेंट देते हैं, तो बच्चे के अंदर आगे मजीद बेहतर परफॉर्म करने की अर्ज बढ़ती है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा बिहेवियर इज बीन स्ट्रेंथन्ड बाय द रिवॉर्ड विच इज कंटिंजेंट अपॉन आवर बिहेवियर, मतलब हमारा अपना ही बिहेवियर डिटर्मिन कर रहा है इस चीज को।
और इसी तरह से हमारे बहुत से फॉल्टी बिहेवियर भी डिटर्मिन हो जाते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ अ चाइल्ड इज ग्रोइंग, बच्चा बड़ा हो रहा है और पेरेंट्स उसको किसी अब्यूसिव लफ्स कहने पे खुश हो जाते हैं या हंसते हैं या उसे किसी अग्रेसिव एक्शन पे खुश होते हैं. अब रिवार्ड कोई टेंजिबल नहीं है. रिवार्ड जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट की शक्ल में दें, या रिवार्ड जरूरी नहीं है कि आप उसे किसी तोहफे या कोई मनी या इस तरह की शक्ल हो. रिवार्ड आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, रिवार्ड आपकी शाबाश भी हो सकती है, रिवार्ड उस बच्चे को आपका अपने साथ लगा लेना भी हो सकता है, रिवार्ड यह भी हो सकता है कि आप उसकी बात पे मुस्कुरा दिए, खुश हो गए. तो अब बहुत से हमारे फॉल्टी बिहेवियर्स या हमारे मतलब अनवांटेड बिहेवियर जिन्हें आप कहते हो या एबनॉर्मल बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल कहते हो, वो भी इसी तरह रीएनफोर्स होते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम जब कोई भी जेस्चर या कोई भी रिवार्ड किसी भी शक्ल में, चाहे टेंजिबल है या अदरवाइज है, उसको हम सोच समझ के दें ताकि वो बच्चे का या किसी भी अगले दूसरे इंडिविजुअल का बिहेवियर रीएनफोर्स ना हो. अब इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में प्रिंसिपल्स क्या हैं कि वो जो रिवार्ड या जिसको मैं रीएनफोर्समेंट कह रही हूं, उसमें एक तो यह है कि इमीडिएसी है. इमीडिएसी का मतलब यह है कि अगर बिहेवियर अब हुआ है और उसको उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत डिलेड मिल रहा है. फॉर इंस्टेंस, इफ स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड एन असाइनमेंट और वो टीचर के पास बहुत देर तक पड़ी रही है और उसके मार्क्स मिल रहे हैं उसको मे बी 3-4 महीनों के बाद, तो जो स्टूडेंट है उसको नहीं पता कि उसको रिवार्ड मिल रहा है या उसको मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज उससे नहीं मिले, इसलिए उसको उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा. इफ द चाइल्ड और एनी इंडिविजुअल, उसको अगर रिवार्ड लेट मिलता है, लेट्स से कि आपने इंक्रीमेंट अब अर्न की है और आपको मिल रही है कोई 3-4 साल के बाद, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो उस वक्त तक आपके लिए मानी नहीं रखती और वो आपके फ्यूचर बिहेवियर को फिर इफेक्ट भी नहीं करेगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बिहेवियर के फौरन बाद कॉन्सिक्वेंटली आपको रीएनफोर्स किया जाए या रिवार्ड दिया जाए ताकि उसकी अगले आने वाले बिहेवियर के ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेज नजर आ जाएं. नंबर टू इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि जब भी उस तरह का बिहेवियर हो उसको रीएनफोर्स किया जाए या उसको उसके ऊपर पनिश किया जाए या रीएनफोर्समेंट विड्रॉ की जाए, जो भी हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. अगर एक दफा रीएनफोर्स हुआ, दूसरी दफा नहीं हुआ, तीसरी दफा हुआ, चौथी दफा नहीं हुआ, पांचवी दफा नहीं हुआ, छठी दफा हो गया, तो इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से बिहेवियर शेप नहीं होगा. सो बेसिकली ये प्रिंसिपल बड़े इंपॉर्टेंट है फ्रॉम थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू टू. तीसरा है रीएनफोर्समेंट. एज आई सेड कि रीएनफोर्समेंट का मतलब यह है कि व्हेन द बिहेवियर अकर्स उसको आप किस तरीके से उसे रिवार्ड करते हो. अब रीएनफोर्समेंट की दो किस्में हैं बेसिकली. वन इज पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, अनदर वन इज नेगेटिव रीएनफोर्समेंट. पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट का मतलब यह है कि इट्स ऑलवेज एडिशन टू द बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर द चाइल्ड हैज कम्प्लीटेड द वर्क ऑन टाइम, होमवर्क ऑन टाइम, मदर जो है वो अलाउ करे उसे कि तुम कार्टून देख लो, तुम टीवी देख लो, तुम्हें कैंडी दे दी जाए, ब्ला ब्ला ब्ला. दिस इज पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट, बिकॉज पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रही है बाय एडिंग समथिंग प्लेजेंट. ऑन द कॉन्ट्रेरी, देर इज अ नेगेटिव रीएनफोर्समेंट. नेगेटिव रीएनफोर्समेंट भी आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है बाय रिमूविंग सम स्टिमुलस, बाय रिमूविंग सम कंडीशन. इसमें मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी कि लेट्स से कि आपको हेडेक हो रही है, सर दर्द हो रहा है, आप डिसिप्लिन खाते हो, जो बड़ा एवर मेडिसिन यू टेक, और उससे आपका दर्द कम हो जाता है. इसका मतलब है कि जो सर दर्द था, दैट वाज समथिंग अवर्सिव कंडीशन, जो आपके लिए पेनफुल था, दवाई ले उसने उस अवर्शन को कम कर दिया और आपका टेकिंग मेडिसिन, वेन एवर द हेडेक टेक्स प्लेस, आपका वो बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा. मतलब सेल्फ मेडिकेशन स्ट्रेंथन हो गई, तो बिहेवियर तो स्ट्रेंथन हुआ ना. तो दोनों में बिहेवियर स्ट्रेंथन होते हैं. ये कॉन्सेप्ट बड़ा जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि दोनों में बिहेवियर स्ट्रेंथन हो रहे हैं. एक में आप एड कर रहे हो समथिंग टेंजिबल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ बिहेवियर, दैट इज ऑफकोर्स द टेंजिबल थिंग इज प्लेजेंट, मे इट बी प्रेजेंट, मे इट बी योर स्माइल, मे इट बी योर आपने गले लगा लिया उस बच्चे को. लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो अवर्सिव नेगेटिव रीएनफोर्समेंट है, उसमें आप अवर्सिव कंडीशन को रिमूव करते हो और उसकी रिमूवल इट सेल्फ इज रीएनफोर्सिंग एंड इट मेक स्ट्रेंथन दैट पर्टिकुलर बिहेवियर.
बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट को एक समझते हैं, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड किया है कि ये फर्क आपको पता होना चाहिए. पनिशमेंट ऑन द कॉन्ट्रेरी इज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस. के रिवार्ड में तो हम बात कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है. यहां पे लेट से आपका बिहेवियर हुआ और उसके बाद आपको डांट पड़ी या आपको फिजिकली मतलब कोई आपसे कंडीशन विथड्रॉ हो गई या आपको टाइम आउट कर दिया या आपको बाज़ दफ़ा लोग कमरों में भी बंद कर देते हैं, बाज़ दफ़ा लोग फिजिकल पनिशमेंट भी देते हैं. तो इसका मतलब है कि एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो कि आपके बिहेवियर एक सर्टन बिहेवियर के बाद फॉलो करें, इसका पर्पज होता है टू रिड्यूस कि वो बिहेवियर ना हो. हालांकि ये मतलब पनिशमेंट जो है इसको इतना ज्यादा अप्रूव नहीं किया साइकोलॉजिस्ट ने, और पनिशमेंट जो है वो देनी भी नहीं चाहिए. इट्स गुड आइडिया टू मैनेज द बिहेवियर थ्रू रीएनफोर्समेंट्स, एंड रीएनफोर्समेंट विदड्रॉ भी की जा सकती है. रीएनफोर्समेंट की एक वॉच भी किया जा सकता है कि कब देनी है, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ानी है, उसको कम करना है. तो बिहेवियर एलिमिनेट भी हो सकते हैं रीएनफोर्समेंट्स के थ्रू. सो इसलिए बेहतर होता है कि पनिशमेंट शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट, मीन आखिरी हरबे के तौर पर.